हेलो एंड वेलकम टू अनएकेडमी फैमिली। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आदर्श जोशी, और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ एक यूनिक कंसेप्ट, कुछ एक यूनिक चीज लेकर जो बहुत से बच्चे हमसे पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं ताकि एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए टू ऑल दिस क्वेरीज एंड क्वेश्चन। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने अपना बीकॉम किया है ब्रियान मास्टर कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन। दोस्तों, मैंने 500 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर रखी है विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑन वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सो प्लीज डू डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी। द लिंक टू फॉलो मी इज डाउन हियर। आपको बस सर्च करना है सी आदर्श, और इस वीडियो के लिंक में भी आपको मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इस पे हमको वर्क करना है। प्लीज डेडिकेट एज मेनी हैड्स एज यू कैन। प्लीज फॉलो मी इफ यू हैव नॉट येट डन सो। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वो थोड़ा स्पेशल वीडियो है, बिकॉज मुझसे बहुत सारे बच्चे इस बारे में पूछ रहे, तो मैंने सोचा एक बार पूरा इन डिटेल वीडियो बना लूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले, बिकॉज इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब होने वाले हैं, पूरे पूरे सवाल विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग जो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, सब कुछ कवर होने वाला है। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में मुझे आपको बताना है बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ डिवाइस यू हैव। अगर आपके पास एंड्रॉइड है या आपके पास आईओएस है, बस आपको करना क्या, आपको गूगल प्ले स्टोर या आईओएस ऐप स्टोर में जाना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप करके आपको लिखना है। अनअकैडमी लिखेंगे आपको लर्निंग ऐप पहले आ जाएगा। जैसे ही आप ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखते हैं, आपको ये ऐप आ जाता है। आप इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। इट्स अ फ्री ऐप, आपको कहीं कोई प्रकार का पेमेंट नहीं करना है। इसके अंदर दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है आपका गोल, दैट इज सीए एंड सी एस, एंड बेस्ड ऑन वॉट यू हैव। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सी ए फाइनल है सी ए, तो आप सी ए फाइनल सिलेक्ट करेंगे। अगर आप 11th 12th, तो ऑफकोर्स ये वीडियोज आप देख नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप सी ए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, तो आप यूजुअली सिलेक्ट करेंगे सी ए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। मैंने फाइनल के बच्चे जरा होशियार होते हैं, वो अपना कवर अप कर लेंगे, इसलिए मैंने इसमें सी ए फाउंडेशन इंटरमीडिएट सिलेक्ट किया है। सी ए फाउंडेशन इंटरमीडिएट के अंदर जब आप जाओगे बेटा, तो आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा। अब प्लस क्या होता है सर, हम लोग यूट्यूब स्पेशल क्लास और प्लस क्लास से तीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। यूट्यूब क्लासेस कंप्लीटली फ्री होती है, इसके लिए आपको किसी को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, मोबाइल इंटरनेट एंड एंड ऑफ द स्टोरी। स्पेशल क्लासेस जो होती है वो भी फ्री होती है, और वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ही होती है। उसके लिए आपको ऐप अनलॉक करना पड़ सकता है। तो आपको ऐप अनलॉक करने के लिए जो रेफरल कोड चाहिए, वो भी मैंने वहां पर दे रखा है रेड में। मेरा नाम है बेटा, मेरा नाम ही है काफी, मेरा नाम है शासन। ओके, इसके बाद दोस्तों, वी ऑल्सो टेक क्लास ऑन प्लस, बट प्लस अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट फ्री, दे आर पेड। बट इट इज फॉर्चुनेट फॉर यू दैट दे आर पेड, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, टॉप मोस्ट एजुकेटर्स अपना कीमती वक्त लेकर आपके लिए आते हैं सिर्फ प्लस में। यू गेट 30+ आवर्स ऑफ लाइव सेशन एवरी सिंगल डे। आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं इंग्लिश और हिंदी में। 14+ टॉप एजुकेटर्स आते हैं आपको पढ़ाने। नए कोर्सेज पब्लिश होते रहते हैं एवरी अदर डे, जिसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा इफ यू आर अ प्लस स्टूडेंट। दोस्तों, डेली लाइव क्लासेस आप देख पाओगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस सॉल्व कर पाओगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आप देख पाओगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा टू ऑल द फैकल्टीज दैट आर टीचिंग ऑन दैट पर्टिकुलर गिवन गोल। द सेम विल अप्लाई टू सीए फाइनल एज वेल। अब दोस्तों, ये जो मैं रेट चार्ट लेकर आया हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट का है। फाइनल के रेट चार्ट्स अलग है। सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन के, 8 इंटर के, टोटल 12 सब्जेक्ट्स। आप मार्केट में पढ़ने जाते हो, आपको 1 लाख रुपए लग जाता है। यहां पर वही चीज आपको देखो, ऑप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स का। और देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो 21,000 का है ओनली, जिसमें अभी तक आपने कूपन कोड लगाया नहीं है। जैसे ही आप ये रेफरल कोड से आदेश लगाएंगे, देखना सारे अमाउंट डिस्काउंट हो जाएंगे 10% से। नीचे दिख रहा है ग्रीन कलर में लिखा है यू गॉट 10% डिस्काउंट, कंग्रेचुलेशन। ये 10% डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ फेब के मंथ तक है। मार्च ऑनवर्ड से डिस्काउंट कम होकर 5% होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप बाहर से बहुत कुछ ज्यादा पाते हो, बिकॉज बाहर आप 1 लाख रुपए देते हो 12 फैकल्टीज के लिए, यहाँ आप 18,900 दे रहे हो 100 से भी ज्यादा फैकल्टीज से पढ़ने के लिए लाइव डेली। तो ये बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा हमको भी लगता था कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और तभी हमको अनअकैडमी ने कर दिया सरप्राइज। दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया आपके सामने सीए आइकॉनिक प्रोग्राम, जो कि 28th of January 2021 से हमने लॉन्च किया है। आइकॉनिक प्रोग्राम मतलब क्या? तो सर, आपको पर्सनलाइज कोच मिलेगा, यानी कि आपके फेवरेट रैंकर आपको आके यहाँ पर गाइड करेंगे। आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेंगे आपके फेवरेट एजुकेटर्स की, आपके घर पे प्रिंटेड रियल बुक्स आकर डिलीवर की जाएगी। लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर मिलेगा, डेडिकेटेड चैनल मिलेगा आपको डिस्कशन के लिए, जिसमें आप अपने कोच और अपने एजुकेटर से डिस्कस कर पाएंगे, अपने पीयर ग्रुप से कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा सेशन के मिलेंगे आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के, और सारे प्लस बेनिफिट्स तो इसमें है ही है। यानी अगर आप एक लाइन, मतलब अगर आप मुझे कंपैरेटिव अगर मुझे आपको बताना है, तो आप देख लीजिए, उस साइड ग्रीन में आपको प्लस के बेनिफिट मिल रहे हैं, और इस साइड आपको यहां पर आइकॉनिक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब आइकॉनिक के बेनिफिट्स आप ध्यान से देख लेना, आइकॉनिक में दिख रहा है आपको कितनी सारी चीजें मिल रही है। आप कैन यू इमेजिन ऑल एवरीथिंग दैट इज गिवन इन प्लस, उसके अलावा सो मेनी एक्स्ट्रा थिंग्स।
एंड अब सर आप बोलेंगे प्लस टू सर फिर लाखों में जाएगा, इतने सारे एजुकेटर इतना सब कुछ दे रहे हो तो आप लाखों में जाओगे। अरे बेटा नहीं, अनअकैडमी है, हम आपके लिए ही सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। अनअकैडमी ने दो ऑप्शंस लाए इकोनॉमिक में, 12 मंथ्स एक 24 मंथ। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको 42,550 अप्लाई करना पे करना होगा और 24 मंथ्स के लिए 64,550। बट डरिए मत, इसमें भी आप सी आदर्श रेफरल कोड लगा सकते हो और रेफरल कोड लगाने के बाद दोनों अमाउंट्स 10-10% से कम हो जाएंगे इफ अगर आप फेब में ये अप्लाई करते हो तो। मार्च में बेटा रेट्स भी इंक्रीज हो सकते हैं और डिस्काउंट्स तो डेफिनेटली घिरने वाले है ही। सो प्लीज इफ यू आर प्लानिंग ऑन बाइंग प्लस, डू इट ASAP। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज हम जिस चीज के लिए हमारा आज हमने ये सेशन लिया है वो हम जल्दी से शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं हमारे एक किसी स्टूडेंट के एक पोर्टल। ये पोर्टल आप देखे रहेंगे आप लोगों ने बहुत बार और बहुत सारे सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले चलिए इन सारे सवालों के जवाब हम दे देते हैं। तो दोस्तों इससे मैं ये फिर से आपको लॉग इन करके दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं और लास्ट में मैं आपको जो डेट्स है, जो मतलब इसीलिए मैं आपको एंड तक रुकने बोल रहा हूँ, जो डेट्स है ना कि जिसके क्या ड्यू डेट है वो मैं आपको एंड ऑफ द सेशन दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अबाउट वॉट सर, मैं आपको बताना चाहता हूं वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस है। तो सर ये देखिए आपके सामने वेरिफिकेशन का प्रोसेस ओपन अप हो रहा है एंड अभी तक ये नॉर्मली ओपन हो रहा था बट अब सडनली इसको इंटरनेट को इश्यू हो रहा है। बट ठीक है, कोई नहीं, रुकेंगे, थोड़ा टाइम है हमारे पास जिंदगी में, है ना, कोई चीज करनी है ढंग से कर लेनी चाहिए। दोस्तों ये रहा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर बुक फाउंडेशन एग्जामिनेशन नवंबर 2020। याद रखिएगा ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अ रोल नंबर विल बी एक्सेप्टेड, प्लीज अप्लाई केयरफुली। तो सोच समझ के इसके लिए अप्लाई करिए। जो कैंडिडेट सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन दे दिए, जो ये इंटरमीडिएट एग्जाम दिए हो ओल्ड या न्यू, या फाइनल एग्जाम ओल्ड एंड न्यू, या पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं आंसर बुक्स के लिए वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि वेरिफिकेशन विद इन अ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फाइल किया जा सकता है। मैं आपको ड्यू डेट सारे बताने वाला हूँ। वेरिफिकेशन फी आपकी रहेगी 100 रुपीज पर सब्जेक्ट, मैक्सिमम 400 रुपीज फॉर अ ग्रुप और बोथ ग्रुप। यहां पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस एप्लीकेशन अभी के लिए सिर्फ फाउंडेशन, इंटरमीडिएट ओल्ड न्यू और फाइनल ओल्ड न्यू स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स के जो बच्चे हैं उनको हैंड रिटन वेरिफिकेशन एप्लीकेशन उसके साथ डीडी के साथ एप्लीकेबल मतलब जो भी फीस के साथ उनको भेजना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट एट द एड्रेस गिवन ऑन द कॉन्टैक्ट डिटेल। बाकी लोग ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए द विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन विल बी अवेलेबल एज स्टेटेड ऑन द होम पेज अंडर इंपॉर्टेंट डेट ड्यू डेट। ये इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स मैं आपको एंड ऑफ द लेक्चर दिखाने वाला हूं, तो प्लीज एंड तक रुकिएगा। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप वेरिफिकेशन करा रहे हो या आप मतलब सर्टिफाइड कॉपीज के लिए करवा रहे हो, एक चीज आपको कॉमन लगने वाली वो है कैंडिडेट हैज टू राइट एन एप्लीकेशन इन हिज ओन और हर ओन अंडरराइटिंग। अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया जो पॉइंट नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, आपके पैसे डूब सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, आपको ब्लैक पेन से प्रिफरेबली लिखा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा ब्लैक पेन से रनिंग हैंड राइटिंग में, ऑल कैप्स में नहीं, रनिंग हैंड राइटिंग में आपको अपने खुद के हैंड राइटिंग में लिखना होगा और साइन करना होगा और उसको स्कैन करना होगा। क्या लिखना होगा सर? आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, फॉर्मेट आपको इजीली बाहर मिल जाता है। आपको एप्लीकेशन लिखना है कि सर मुझे वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेट कॉपी एज अ केस में भी करवाना है, किस किस सब्जेक्ट का करवाना है, वो सारी चीजें आप लिखेंगे, साइन करेंगे, वेरीफाई करके आप उसको दे देंगे। इसके बाद आप इसको मतलब ऑफ कोर्स साइन करने के बाद आप इसको स्कैन करेंगे। जो जेपीजी फाइल आप बनाएंगे वो 8 to 200 KB के बीच में और 100 DPI के अंदर होनी चाहिए और आपको वो अपलोड करनी है। मैं कहाँ अपलोड करनी है, प्रोसेस क्या है, मैं आपको शॉर्टली बता दूंगा। अगर कोई बच्चा हिंदी में एग्जाम लिखता है तो उसको एप्लीकेशन भी हिंदी में लिखना है, और अगर आपने इंग्लिश में एग्जाम दिया तो आपको एप्लीकेशन भी एग्जाम इंग्लिश में लिखना है। ये एप्लीकेशन के अंदर कृपया करके अपना रोल नंबर, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मंथ और ईयर ऑफ एग्जाम ये लिखना ना भूले और उसपे साइन करना ना भूले बिफोर स्कैनिंग। याद रखना इसके अंदर आप जो भी पेपर लिख रहे हो ये माने नहीं जाएंगे। एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म जो सिलेक्शंस आप करेंगे वेबसाइट पे वो आपके असली सिलेक्शन माने जाएंगे। यानी कि अगर आप चार सब्जेक्ट को या दो सब्जेक्ट को आप करना चाहते हो सर्टिफाइड कॉपी या वेरिफिकेशन, लेकिन आपने इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट का नाम लिखा है या दो से ज्यादा सब्जेक्ट का नाम लिख दिया तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फिल करते वक्त जो आप टिक करोगे वो आपका मतलब कंसिडर किया जाएगा।
अगर आपने ये पॉइंट नंबर टू, प्लीज आप भी जरा ध्यान से देख लीजिए, अगर आपने इस पॉइंट नंबर टू को अच्छे से फॉलो नहीं किया, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है और आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे बेटा, रिफंड तक नहीं आएगा। पेमेंट आपको केवल ऑनलाइन मेथड से करना है। पेमेंट की फीस मैंने आपको ऊपर बताई, वेरिफिकेशन के लिए 100 रुपीज और वो 400 वाला भी बताया है, और मैंने आपको ये मतलब ग्रुप के लिए, और मैंने ये भी बताया कि उसमें कुछ चार्जेस आपको लग सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ बैंक आप यूज कर रहे हैं। जैसे ही आपका सक्सेसफुल पेमेंट होता है, आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपके ऊपर मिलेगी, आपको यहाँ पे दिख के आएगा योर पेमेंट इज सक्सेसफुल ग्रीन कलर में, विच मीन्स कि आपका आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। गो टू डैशबोर्ड करके आप अभी रेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपका प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। सारे डिटेल्स इस प्रकार आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आने लगेंगे। जब जैसे ही ये स्क्रीन आती है, समझ लेना आपने अपना प्रोसेस पूरा अच्छे से ढंग से कर लिया है। दोस्तों यू मे प्रिंट द सेम एंड कीप फॉर योर रिकॉर्ड इन केस द मनी गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड यू डू नॉट गेट अ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन स्क्रीन। मैं आपको बता दूं, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल कंसिडर नहीं हुआ है और आपके पैसे आपको 30 डेज आफ्टर द क्लोज ऑफ वेरिफिकेशन विंडो वापस कर दिए जाएंगे। अगर आपको आपको सक्सेस का और ये आप लिख के नहीं आता है ना, अगर आपको ये स्क्रीन नहीं दिखता है, मैं रिकमेंड करूंगा दोबारा फॉर्म भर के पेमेंट करके आप भेज दो। अगर फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर पा रहे, बिकॉज कुछ बच्चे फेस कर रहे थे डुप्लीकेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम, तो अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो आपको फिजिकल फॉर्म हाथ से लिखकर एप्लीकेशन सेंड करना पड़ेगा। द वेरिफिकेशन प्रोसेस विल टेक ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स और आउटकम जो है वो आपको आपके इसी पोर्टल पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार के क्वेरीज है, तो ये एफएक्यूज को देखना ना बोले, ये एफएक्यूज जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं, इनको आप पूरी तरह से अगर पढ़ लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। वेरिफिकेशन मतलब क्या? तो सर वो बोल रहे कि ये प्रोसेस है, देखो द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स इंक्लूड द फॉलोइंग, चेकिंग वेदर एनी क्वेश्चन और पार्ट देयरऑफ हैज रिमेंड अनवैल्यूड एंड इफ सो टू इवेल्युएट द सेम एंड इश्यू द रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, वेदर देर इज एनी टोटलिंग एरर इन द क्वेश्चन और टोटल मार्क्स ऑन द कवर पेज, वेदर देर इज एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द मार्क्स ऑफ इच क्वेश्चन एंड और पार्ट देर ऑफ एंड मार्क्स ऑफ इच क्वेश्चन निगेट ऑन द कवर पेज ऑफ द आंसर बुक। सिर्फ इतना ही आप एक्सपेक्ट करना, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपका रिवेल्युएशन करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट परमिटेड एज पर सीए रेगुलेशन 1980। इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी है, वेरिफिकेशन के प्रोसेस, मार्क्स, आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, इनके इनको आप एक बार अगर गो थ्रू करेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एनीवेज सॉल्व यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको दूसरी प्रोसेस की तरफ लेकर चलता हूं। अब हम चल रहे हैं यहाँ, इसके बाद आपको आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबाउ करके आपको आगे प्रोसीड करना है। जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको मतलब प्रोसेस आएगी। वो प्रोसेस जाने से पहले मैं आपको एक बार बिकॉज ये सेम लाइन पे वेरिफिकेशन सर्टिफाइड कॉपी भी है, तो मैं वो भी आपको एक बार पढ़ा देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर्टिफाइड कॉपी के लिए यहाँ पर बोला गया है कि सर अगर आप एमसीक्यू पेपर की सर्टिफाइड कॉपी मंगा रहे हैं, तो आप प्लीज मतलब आप आंसर बुकलेट, मतलब पेपर बुकलेट या आप उसके कीज, आंसर कीज एक्सपेक्ट ना करें, आपकी से केवल आपके ओएमआर शीट का आपको स्कैन मिल जाएगा। बट ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो फाउंडेशन के पेपर 3 और पेपर 4 मैथ्स और इको एमसीक्यू बेस्ड है, और इंटरमीडिएट के देखो यहाँ पर 2, 4, 6, 7 एमसीक्यू कंपोनेंट ये सारे इसमें हैं, 2, 4, 6, 7, यहाँ पर फाइनल में 3, 4, 6, 7 एंड 8। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते सर इंस्पेक्शन और सर्टिफाइड कॉपी के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि सर इंस्पेक्शन सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ इवेलिड आंसर बुक provides information for their academic guidance. Before providing certified copies or inspection of evaluated answer books of the examinees, verification of answer book within the scope of 39 subsection 4 will be carried out by the office suo motu. यानी कि सर जब भी आप अगर इंस्पेक्शन या सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको अलग से वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंस्पेक्शन और सर्टिफाइड कॉपीज विल इंक्लूड वेरिफिकेशन बाय डिफॉल्ट। सुओ मोटो मतलब वो अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूट आपके लिए वेरिफिकेशन करके देगी। यानी कि जब भी कोई बच्चा सर्टिफाइड कॉपी के लिए या इंस्पेक्टेड कॉपी के लिए अप्लाई करता है, तो उसको वेरिफिकेशन करके ही वो मिलती है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन के लिए अदर्स अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन फिर से मैंने आपको बता दू, वेदर एनी क्वेश्चन और पार्ट देयर ऑफ हैज रिमेन अनवैल्यूड, वेदर देर इज एनी टोटलिंग एरर और वेदर देर इज डिस्क्रिपेंसी, जो हमने बोला ना, ये तीन चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। री इवेल्युएशन का एक्सपेक्टेशन मत रखना। ओके, इसके बाद
अगर आपको कोई भी मतलब गलती मिलती है सर्टिफाइड कॉपी में, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ब्रिंगिंग इट इन टू द नोटिस ऑफ द ऑफिस विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ होस्टिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। विंडोज फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ इंस्पेक्शन और सर्टिफाइड कॉपी, मैंने आपको ये सारी होम स्क्रीन पे बताया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। एंड वॉट विल बी द रेट फॉर इंस्पेक्शन सर्टिफाइड कॉपी, इट विल बी 500 रुपीज पर पेपर। इन एडिशन आपको बैंक चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। तो प्लीज याद रखना, आपको यहां पर भी हैंड रिटन रिक्वेस्ट देना है, आपको रनिंग लैंग्वेज में देना है, और जो सेम चीज मैंने ऊपर बोली है कि आपके रोल नंबर, पेपर, कौन सा आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, वो सब आपको जो जैसे मैंने वहां बोला अप टू 200 KB A4 साइज पेपर में है ना, वो सब आपको सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो करनी है। लेकिन जो आप अपने रिटर्न एप्लीकेशन में लिखेंगे वो कंसिडर नहीं होगा, जो आप सिलेक्ट करते हो वो कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर भी अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपके फीस भी चली जाएगी और आपका एप्लीकेशन भी डूब जाएगा। और यहाँ पर फिर से ऐसा एक स्क्रीन आपके सामने आएगा, जैसे ही स्क्रीन आ रहा है इसका मतलब आपका सर्टिफाइड कॉपी का एप्लीकेशन सही से चला गया। तो इट इज नॉट इट प्लीज नोट दैट इट इज मैंडेटरी टू अपलोड द स्कैंड कॉपी ऑफ अंडर हैंड राइटिंग रिक्वेस्ट ऑन द पोर्टल, फेलिंग विच यू विल नॉट बी परमिटेड टू सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। इन केस यू आर अनेबल टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ हैंड रिटन रिक्वेस्ट और नॉट एबल टू लॉग इन ड्यू टू रीजन, यू मे सेंड यूर हैंड रिटन रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद डीडी ऑफ द एप्लीकेबल फीस बाय स्पीड पोस्ट टू, मैं आपको एड्रेस बता रहा था, जो आप जिन जिन बच्चों का ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है प्लीज ये एड्रेस लिख लीजिए, द एडिशनल सेक्रेटरी एग्जाम ICAI ICAI भवन इंद्रप्रस्थ मार्ग न्यू दिल्ली 11000002। और याद रखना की ये आपका प्रिंटेड डेट के पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए। स्टेटस आपको उसका ICAI exam.ICAI.org जैसे आप लॉग इन करेंगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा। इनकेस अ कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर बोथ वेरिफिकेशन एंड सर्टिफाइड कॉपी, फिर क्या होगा? सर आपने गलती से दोनों अप्लाई कर दिया है, तो पहले बेटा वेरिफिकेशन करने में आएगा जिसको 6 से 8 वीक्स लगते हैं, और उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी का प्रोसेस चालू होगा। एनी विच वेज आपका वेरिफिकेशन होने ही वाला है, तो डबल से अप्लाई मत करिए, मैं आपको ये दोबारा बता रहा हूँ। चलिए अब हम एक काम करते हैं, एक बार जल्दी से वेरिफिकेशन में जाते हैं और एक बार वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ओके, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, ये डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएंगे। आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप बताइए आपको कौन से पेपर सिलेक्ट करने हैं, और उन पेपर जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दो पेपर के आपको मतलब अभी जैसे ये तो वेरिफिकेशन है तो आप चारों वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स भेजिए, बिकॉज अगर आपके इसमें कोई अगर गलती होती है, मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई मार्क्स देने में गलती हो जाती है, तो आपकी भरी हुई फीस जो है आपको रिटर्न की जाएगी। इसके लिए आपके सारे आपका अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, बैंक का सिटी, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, IFSC कोड, ये डिटेल्स आपको मांगे जा रहे हैं, क्योंकि रिफंड आपको किया जा सकता है। दूसरी बात, यहां पर आप देख रहे हो चूज अ फाइल, ये आपको हैंड रिटन एंड साइंड एप्लीकेशन जो मैंने आपको जिसकी बात की थी वो यहां पर अपलोड करना है। अगर आप कंफ्यूजन है तो व्हाट इज दिस पे क्लिक कर सकते हैं, यहां पर आपको पूरी बात वापस बता दी जाएगी कि दोस्तों आपको क्या लिखना है, उसका साइज कितना होना चाहिए, DPI कितने होने चाहिए, कैप्स मत लिखिए, रनिंग लैंग्वेज में लिखिए, डू राइट योर रोल नंबर, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मंथ, ईयर ऑफ एग्जाम, डू नॉट फॉरगेट टू साइन, ये सारी चीजें यहां पर मिल जाएगी, जो आपको एंड मोमेंट पे ये चेक करके फिर आप इसको अपलोड कर दीजिए। ध्यान से अपलोड करना, बिकॉज यहां गड़बड़ होती तो सब आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार आपने पूरा प्रोसेस भर दिया, सेव एंड प्रीव्यू कर दिया, आपने फीस पेमेंट कर दी, एंड उसके बाद आपको जैसा मैंने आपको बताया था आपको वो सक्सेसफुल का उसमें वहां पर आपको लिख के आ जाएगा और आपका प्रोसेस होने लग जाएगा, 6 to 8 weeks उसमें लगते हैं। इंस्पेक्शन कॉपी का भी सेम आपको वही करना है, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड, यहां पर ओके करना है, पूरा नाम, अपने डिटेल्स अपने आप आ जाएंगे, यहाँ पेपर सिलेक्ट करिए। ध्यान रहे, अगर आप रिटर्न में अगर आपने 3 पेपर लिखे और यहाँ पर आपने 4 किए तो आपको 4 का पैसा भरना होगा, चारों का वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने पेपर में 4 लिखे लेकिन यहाँ अगर आप सिर्फ 2 ही टिक करते हो तो सिर्फ 2 का पैसा लिया जाएगा और सिर्फ 2 ही वेरिफिकेशन होगा। आप अंदर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं ये नहीं देखा जाता बेटा, यहाँ क्या सिलेक्ट कर रहे हो इस पे पूरा मतलब आपका एप्लीकेशन डिपेंडेंट है। तो प्लीज एग्जाम फॉर्म भरते वक्त यहाँ पर आप गलती ना करें। और सबसे बेस्ट बात याद रखे, ये आई विश टू अप्लाई फॉर जो सर्टिफाइड कॉपी और इंस्पेक्शन जो है बेटा, ये ध्यान से सिलेक्ट करें। अगर आप सर्टिफाइड कॉपी सिलेक्ट करते हो तो आप समझ लेना आपको सर्टिफाइड कॉपी या इंस्पेक्शन करना है, तो सिर्फ इंस्पेक्शन जो आपको चाहिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। सर्टिफाइड कॉपी इंस्पेक्शन में वेरिफिकेशन इन्वॉल्व है, कृपया इसका ध्यान दें, अकाउंट नंबर ध्यान से भरे, बिकॉज रिफंड इन एनी केस उसमें आएगा। डिक्लेरेशन सिलेक्ट करें, सेव रिव्यू, पेमेंट करें और आप योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सेंड, उसका आपको यहाँ पर बाद में रिजल्ट यहाँ पर दिख जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक कुछ डेट्स जो मैंने आपको प्रॉमिस की थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ इस प्रकार आपके सामने आएगा।
अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आप फाउंडेशन आईपीसी आईपीसी यूनिट्स इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट यूनिट्स के स्टूडेंट्स हो तो आपका स्टार्ट डेट है 9th ऑफ फेब और एंड डेट है बेटा 7 मार्च 2021। अगर आप इंस्पेक्शन या सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आप फाउंडेशन आईपीसी आईपीसी यूनिट्स इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट यूनिट्स के बच्चे हैं तो आपका 9th फेब 2021 से लेकर 9th मार्च 2020 तक ये डेट आपके अभी तक ऑप्शन है। जितना जल्दी आप करेंगे उतना बेटर। अगर आप इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं और आप फाइनल ओल्ड या फाइनल न्यू के बच्चे हैं तो आपका 2 फरवरी से डेट चालू हो चुका है और 2 मार्च पे खत्म हो जाएगा। और वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो फाइनल ओल्ड फाइनल न्यू के तो आप 2 फरवरी से आपका स्टार्ट हो चुका है। 28 फरवरी बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। यहां पर 28 फरवरी फाइनल के बच्चे द्वारा ध्यान दें, यहाँ पर 28 फरवरी को ये विंडो क्लोज होने वाला है। तो मेक श्योर आपका एप्लीकेशन यहाँ पर टाइम टू टाइम चला जाए। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ डिफिकल्टीज के बारे में इंस्टीट्यूट ने बात किया। उन्होंने कहा कि उनके नोटिस में लाया गया है कि बहुत से बच्चे ऑनलाइन फैसिलिटी यूज नहीं कर पा रहे। उनसे इंस्टीट्यूट रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप इसको मुझे आप यहाँ पर हैंड रिटन आप भेज दीजिए टू द सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और आप यहाँ पे डीडी बनाकर हमको हैंड रिटन जो है हार्ड कॉपी आप मुझे भेज दीजिए एट द एड्रेस गिवन। ये एड्रेस आपको दिया है, इस एड्रेस पे आप डीडी के साथ भेज दीजिए और हम उसको ले लेंगे। तो आप इसको भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना समझ लेना। तो दोस्तों इसके अलावा आई डोंट थिंक आपको कोई और क्वेरीज अगर होगी और तो मुझे जरूर बताइए। मैंने पूरा प्रोसेस तो अभी आपको बता दिया है एंड दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। प्लीज इसको आप मतलब ध्यान से एक बार एफएक्यूज अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को शॉर्ट ही में रखना चाहता हूँ ताकि बच्चों को यहाँ पर टू डू और नॉट टू डू वाली चीजें समझ में आ जाए। एंड विद दिस थॉट आई वुड लाइक टू से कि प्लीज ये सारी डिटेल्स केयरफुली भरिए। ओनली वन एप्लीकेशन इज पॉसिबल सो प्लीज ध्यान से इसको आप यूज करिए। ये फैसिलिटी आपके लिए इंस्टीट्यूट ने ला कर दी है, इसको आप अच्छे ढंग से यूज करिए। इंपॉर्टेंट डेट्स का ध्यान रखें कहीं आप लेट ना हो जाए। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। ओ और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, बिकॉज आप अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है कई और लोग जो इसमें कंफ्यूज है, जो यहाँ वहां बेचारे ढूंढ रहे हैं, दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, उन लोगों को भी सही इन्फॉर्मेशन सही जगह पे सही टाइम पे मिल जाएगी। और एक और बात, RTI का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, उसको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, उसके भी डिटेल्स आपको बाहर मिल जाएंगे। उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि वहां पे वेरिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ आंसर बुक अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है, पैसे नहीं लगते, बट बहुत अच्छे से काम हो जाता है। तो विद दिस आई विल एंड दिस क्लास फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।